सय्यारा अली यानी साई और अली की प्रार्थना और दुआओं से शादी के 7 वर्ष बाद पैदा हुई प्यारी जूही की कली, जिसकी अम्मी उसके लिए हमेशा गाती है, जूही की कली मेरी लाडली, जो सपने देखने के साथ उन्हें पूरा करने का हौसला भी रखती है और गलत फैसले लेने पर अपनी गलतियों को स्वीकारने की भी हिम्मत रखती है, जिसके लिए गम की सांप लंबी तो है मगर सिर्फ एक सांप ही तो है, जो अपने बगीचे में लगे पेड़ पौधे से बात करती है, तितलियों और चिड़ियों से भी गुफ्तगू करती है, गार्डन में गिरगिट भी आते हैं लेकिन सायरा को उनसे बात करना पसंद नहीं क्योंकि वह इंसानों की तरह होते हैं। आपको बता दें, सूर सदन में जूही बब्बर द्वारा लिखित निर्देशित सय्यारा नाटक के मंचन ने सभी दर्शकों को हंसाया तो कभी रुलाया भी। पूनम सचदेवा, फाउंडर ऑफ स्पाइसी शुगर्स क्लब, बहुत कुछ किया स्पाइसी शुगर्स ने, इंशाल्लाह बहुत कुछ करता आ रहा है। 3-4 साल से हम अलग अलग गेस्ट को बुलाते हैं, कुछ नया कर रहे हैं अपने सिटी में। सो आई रियली फेल्ट कि कभी मुंबई जाना हुआ डेली कि थिएटर कल्चर जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर डेवलप्ड है, यहाँ पर होते हैं थिएटर से जुड़े हुए। लेकिन हमने सोचा कि चलो हम स्पाइसी शुगर्स के ज़रिए भी थिएटर को अपने सिटी में लाते हैं, और ये जो है हमारा स्टेप बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप है, और हम आगे भी चाहते हैं कि थिएटर आए, अच्छे अच्छे प्लेज हमारे आगरा के लोगों को देखने को मिले। एंड आई जस्ट वांट टू टेल कि जूही बब्बर सोनी जो ये प्ले लेकर आई है, ये इससे पहले बहुत से खूबसूरत प्लेज मैंने भी देखे हुए, लेकिन ये उनसे थोड़ा सा अलग हटके है। इट्स अ सोलो परफॉर्मेंस एंड इट्स एन इंटरैक्टिव प्ले। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि इसमें वो जितने ये ऑडियंस है उनके साथ इंटरैक्ट भी करेंगी, सो दे कैन रिप्लाई टू, एंड प्लस उसके साथ में कुछ बड़े एक्टर्स भी हैं जो एक अलग रूप में पर्दे पर आने वाले हैं। ये एक जूही बब्बर जी का नाटक है, आपकी सय्यारा, और इसमें एक महिला की कहानी है कि उसको क्या संघर्ष करना पड़ते हैं, कितनी चुनौतियां का सामना करना पड़ता है, और फिर उससे भी सब वो गुजर कर अपने आप को एक नॉर्मल जिंदगी में लाती है, तो उसके संघर्षों की पूरी कहानी है। तो हम लोगों ने सोचा कि इस प्ले को आगरा में प्रदर्शित करें। जूही बब्बर जी वैसे भी राज बब्बर जी की बेटी हैं और बहुत अच्छी एक एक्टर हैं, तो ये इस प्ले को यहाँ पर इसीलिए करवाया है जिसे एक थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाएं अपने आप को समझें कि वो क्या है और सब कुछ कर सकती हैं, उनमें सब चीज़ है, बस समझने की ज़रूरत है, उनको आभास होना चाहिए कि उनमें सब शक्तियाँ हैं। रियल और रियल दोनों ही आप किस तरह से देखते हैं कि रियल लाइफ की जिंदगी है आगरा की महिलाओं से कितनी जुड़ रही है? रियल आगरा में बहुत सारी महिलाएं हैं जब हम देखते हैं, और मैं तो बहुत सारी महिलाओं से रूबरू होती हैं जो बहुत संघर्ष कर रही हैं और बहुत ऊपर आई हैं। सबने अब आगरा में तो हर स्पीयर में आपको महिलाएं मिल रही हैं, तो हर महिला में अंदर है, आगरा की महिलाओं में जागरूकता स्पेशली आई हुई है, तो रियल में भी है, ये खाली एक नाटक में नहीं है, रियलिटी में, और आगरा इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। अब किस किस का एग्जांपल दूं आपको, बहुत संघर्षों की कहानी है आगरा की महिलाओं की।